जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 से संबंधित जो कि फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, कितनी जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि आपका स्कोर क्या रहा, उसके बारे में भी साझा करिए। तो हम इस वीडियो में हमारा स्कोर क्या रहा उसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ फाइनल आंसर की क्या रही उसके बाद बताएंगे। बहुत सारे लोगों का जो है नंबर घट गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है, मेरा खुद का बताऊं तो कुछ नंबर बढ़ गया है, ठीक है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और थोड़ा सा हम आ जाते हैं आगे। तो देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, दबा करके बटन वटन टिप दीजिएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग अभी दोस्त ऐसे भी हैं, वह अपना आंसर की अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से हम इसको देखें, डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा है। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे चैनल के नाम से यानी कि कन्हैया जीएस वर्ल्ड नाम से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर आइए। हर सेट का हमने जो आंसर की है डाल रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों ने चेक कर ही लिया है। अब देखिए, और बहुत सारे लोगों का डाउट यहाँ पर है, डाउट क्या, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी कितनी मिलती है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, कितने गुना पास होते हैं, ठीक है, बंदूक जूते बेल्ट ये सब जो है इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं काम की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और वहाँ पर पूछा था कि आप अपना लोग स्कोर साझा करिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर तो बात करें, जिसका स्कोर हाई था उसने ही यहाँ पर अपना नंबर बताया है ऐसा हमें लगता है। और टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे पर्सनल बहुत सारे मैसेज आए कि हमारा इतना नंबर है, तो उन सब के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत मैसेज आया यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के देखिए, कोई कोई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेंक दे रहा है कि 175 हो सकता है आया हो, 190, यहाँ पर 200 में 200 भाई पा गए हैं, मुबारक हो, आपको डायरेक्ट पोस्टिंग ही मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर रनिंग जो है यह भी बहुत बड़ा मैटर करता है, 25 किलोमीटर की रनिंग सबके बस की बात नहीं है। तो चलिए, इन सब के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे कट ऑफ के ऊपर। और देखिए, हमारा आंसर की यहाँ पर रहा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर कट ऑफ बताने के बाद यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि आपको इंटरेस्ट हो जानने में तो आप अभी देख लीजिएगा हमारा स्कोर क्या रहा। तो देखिए, कुल मिला जुला करके आंसर की आने के बाद जहाँ तक हमको लोगों का डाटा प्राप्त हुआ है, ठीक है, उस आधार पर हम बता रहे हैं। और यह कोई फाइनल आंसर की यानी कि आयोग वाली आंसर की नहीं, यह हमारा अनुमान है बताया हुआ, तो इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल में है, तो आपका 100, ठीक है, एक मिनट, जनरल में है तो आप अपने आप, यदि आपका स्कोर 132, ठीक है, और प्लस माइनस 2, सब में आप प्लस माइनस 2 अपने से मान लेंगे, क्योंकि यह कट ऑफ एकदम फिक्स तो आया नहीं है। तो इतने के लगभग यदि आपका 132 प्लस माइनस यानी कि 30 या फिर 28 है, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यह जो स्कोर है यह एकदम फाइनल स्कोर है। अब फाइनल क्यों, क्योंकि देखिए 5 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे, 5 गुना या 5.5 गुना, लगभग इसमें 3300 के करीब कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रनिंग के लिए। और रनिंग कितनी तगड़ी है आप सभी समझ सकते हैं, 25 किलोमीटर की रनिंग जो होती है यह बहुत ही हार्ड मानी जाती है। हार्ड क्या, जो कभी प्रैक्टिस नहीं किया है उसके लिए तो बहुत हार्ड है। और साथ ही में 10 किलो बालू भरकर दे देंगे पीठ पे, तो कमर उमर पूरी एकदम छिल जाती है, जहाँ कमर उमर छिल जाती है। और बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं। हमारे भी बहुत सारे दोस्त मित्र हुए हैं, बताते हैं कि रनिंग में जो कि 500 पिछली बार भर्ती थी, 500 कुछ थी, वहाँ पर पूरे लड़के ही नहीं मिले। तो यानी जिसका अगर इस कैटेगरी में यानी कि इतना नंबर आ गया, अपने आप को एकदम श्योर समझ लीजिएगा। और यहीं पर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी यदि आपका 128, ठीक है, 128 और प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 यदि 128 ओबीसी है, तो अपने आप को सेफ मानिए। और एससी कैटेगरी में है तो 115, ठीक है, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस में लिख गया इसको थोड़ा सा, एक मिनट दोस्त, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। यदि आपका ओबीसी है और आपका 128 और प्लस माइनस 2, ठीक है, 128 प्लस माइनस 2 है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना है स्कोर काफ़ी है। और एसटी की बात करें, एससी की बात करें, तो एससी में यदि आपका 115, ठीक है, प्लस माइनस 2, 115 प्लस माइनस 2 है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि इसमें जो
कट ऑफ है इतना ही जाने की उम्मीद है। और एसटी की बात करें तो 110 प्लस माइनस दो यदि आपका एसटी में है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, रनिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल लगभग मान चलिए 118 सभी कैटेगरी में एसटी एससी जो होंगी तो उनका कम ही हो जाएगा, तो फ़ीमेल 118 प्लस अपने आप को मान कर चलिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग 140 बता रहे हैं, तो 140 देखिए बहुत रेयर केस में जा सकता है यदि, ठीक है, तो 140 जाने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम बात करें एक सर्विसमैन की बात करें तो इन लोगों का 100 से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। 100 यदि है इनका तो अपने आप को एकदम सेफ मानिए। और यहाँ पर देखिए EWS की बात करें तो EWS को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि उस समय EWS आया था कि नहीं आया था, हमारा तो EWS उस समय बना ही नहीं था, कब से मान्य होगा। तो बता दी थी 1 जनवरी 2019 को EWS की शायद अलाउंस हुई थी जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2019 में इसका हुआ था और जुलाई के लगभग में इसका फॉर्म आया था, तो बहुत कम लोगों के पास EWS उस समय तक सर्टिफिकेट था। और यह मान्य तभी का होगा, यानी कि यदि आपका उस समय का बना है तभी मान्य होगा, यदि आपने बाद में EWS बनवाया है तब मान्य नहीं होगा। तो EWS बहुत कम था, बहुत कम लोगों ने भरा था EWS से, तो EWS का कट ऑफ जो है बहुत ही नीचे आएगा। नीचे का मतलब यदि आपका 105 भी है, ठीक है, EWS में आपका 105 भी है तो आप अपने आप को सेफ मान के लिए, प्लस माइनस 5 मान लीजिएगा अपने आप से, 105 प्लस यहाँ तक जाने की उम्मीद है EWS की, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं EWS का, वहाँ पर आप अपना उठा करके कट ऑफ देख सकते हैं। अब देखिए बात करें अपने स्कोर की, ठीक है, जिसको भी इंटरेस्ट यहाँ पर है वो यहाँ पर देख सकता है। देखिए हमारा सेट था डी, हमने यहाँ पर सब सही गलत लगा लिया है, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, डी सेट हमारा था और हमने लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 175 से 177 के बीच में, ठीक है। दो नंबर का फासला इसलिए है क्योंकि जो आंसर की आती है इसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा गोला हम रंगे थे या कौन सा नहीं रंगे थे, तो 175 से 177 के बीच हमने अपना जो है गोला फिल किया था। और फाइनल आंसर की आने के बाद हमने मिलाया तो हमारा क्वेश्चन लगभग 153, ठीक है, 153 के करीब सही हो रहा है और इसके अलावा बाकी गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 2200 इस क्वेश्चन गलत हो गए और सब काट पीट के 146 से 147 क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में हमारा 146 से 47 सही हो रहा है, आप देख लिए हमारा स्कोर भी जान लिए। और यदि आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि किसी बात को लेकर के चिंता है या फिर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करिए ज़रूर। और जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया यानी कि अपना चेक नहीं किया, आंसर की नहीं मिलाया, तो अभी अपना मिला सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह अनुमानित कट ऑफ है, इसको आप एकदम सीरियस न लीजिएगा, हम तो कहेंगे कट ऑफ इससे भी कम जाए, यदि हमारे कहने से जाती है तो कट ऑफ इससे भी कम जाए ताकि सिलेक्शन हो सबका। लेकिन अब देखिए कब तक इसका रिजल्ट जारी हो सकता है, अब जारी होगा तो कोई भी सूचना है कि हम आप तक देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।